Welcome to BBBN online class, students. Today is our topic sense organs, and today we are going to learn about sense organs. कि sense organs क्या होते हैं ये आज हम पढ़ेंगे. जैसे firstly आपको पता है sense organs हम पढ़ चुके हैं, तो sense organs क्या होते हैं जो हमें feel कराते हैं किसी भी things को, या फिर सुनने में, smell करने में. इनमें सब में हेल्प कौन करते हैं? अपनी सेंस ऑर्गन्स करते हैं. एंड सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? सो स्टूडेंट, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे? 5. अब ये देखिए आप कौन कौन से होते हैं, तो आप बोर्ड पे देख सकते हो सबके नाम लिखे हुए हैं. फर्स्ट देख रहे हो किसके हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. कितने हुए? 5. दोबारा रिपीट कर रही हूँ. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. तो ये क्या है? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे. सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारी किस टाइप से हेल्प करते हैं, या फिर क्या हेल्प करते हैं. जैसे फर्स्ट टॉपिक है, पॉइंट क्या है? आईज. तो आईज हमारी क्या क्या हेल्प करती है? फर्स्ट स्पेलिंग आप किसकी देख रहे हो? कलर. तो स्टूडेंट, कलर में कोई भी रेड, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, जो भी कलर होता है वो अपन किससे पता चलता है? हमारी आईज से. किसी भी तरह का कलर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, कि ये कलर, इस कलर को ये बोलते हैं, ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये व्हाइट है. ये अपन किससे बता सकते हैं? अपनी आईज से. नेक्स्ट है शेप. तो बेटा शेप कुछ भी हो सकती है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल या फिर सर्किल, कोई भी तरह की शेप होती है, वो अपन किससे आइडेंटिफाई करते हैं? अपनी आईज से. नेक्स्ट इज साइज. तो साइज किसी भी तरह की हो सकती है, तो ये भी अपन को किससे पता चलता है? अपनी आईज से. एंड नियर एंड फार, पास का एंड दूर का भी अपन को किससे दिखाई देता है? अपनी आईज से. जैसे कोई पर्सन अगर बहुत दूर खड़ा है तब अपन उसको देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो बहुत दूर खड़ा है, तो अपन किससे देख सकते हैं उसको? अपनी आईज से. और अगर वो अपने पास खड़ा होगा तब भी अपन उसको देख सकते हैं. तो आईज हमारी क्या क्या हेल्प करती है, क्या क्या आइडेंटिफाई करने में? कलर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, शेप को पहचानने में, साइज को, नियर फॉर, सब कुछ हेल्प कौन करती है? अपनी आईज करती है. तो आईज क्या है? सेंस ऑर्गन्स है. नेक्स्ट है ईयर्स. तो स्टूडेंट, ईयर से अपन को क्या पता चलता है? वॉइस से. वॉइस जो होती है, हमारी आवाज जो होती है, जैसे आप मुझे सुन रहे हो तो किससे सुन रहे हो? अपने ईयर से सुन रहे हो. या मुझे देख रहे हो तो किससे देख रहे हो? अपनी आईज से. तो ईयर से क्या पता चलता है? वॉइस का पता चलता है. स्टूडेंट, वॉइस जो होती है वो सॉफ्ट भी होती है, लाउड भी होती है. जैसे आवाज जो होती है वो धीरे भी होती है और जोर से भी होती है ना. जो कोई चिल्ला के बोलता है, कोई एकदम नॉर्मली बोलता है, तो वो अपन को सुनाई देता है किससे? अपने ईयर से. म्यूजिक भी अपन सुनते हैं, लाउड भी सुनते हैं, सॉफ्ट भी सुनते हैं, तो वो भी किससे पता चलता है अपन को? अपने ईयर से. तो स्टूडेंट, ईयर से किसका पता चलता है? सुनने का. या फिर अपन वॉइस पहचानते हैं कि ये सॉफ्ट को जोर से चिल्ला रहा है या धीरे से बोल रहा है, ये अपन को किससे पता चलता है? अपने ईयर से. तो ईयर हमें सुनने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है नोज. तो स्टूडेंट, नोज से क्या हेल्प होती है? नोज से हमें स्मेल का पता चलता है. तो स्मेल गुड भी हो सकती है, स्मेल बैड भी हो सकती है. दोनों का पता किससे चलता है? हमें हमारे नोज से पता चलता है. एंड क्या करते हैं अपन? ब्रीथ भी अपने, सांस भी किससे लेते हैं अपन? अपने नोज से लेते हैं. तो नोज क्या हेल्प करता है? स्मेल में हेल्प करता है. स्मेल गुड एंड बैड दोनों हो सकती है. एंड ऑल्सो ब्रीथ में भी हेल्प कौन करता है? अपनी नोज करता है. ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट इज टंग. तो टंग क्या हेल्प करती है बेटा? टंग टेस्ट का पता करती है, मीन स्वाद का पता चलता है टंग से. अपन किसी भी टाइप का खाना खाते हैं, उसके स्वाद का पता किससे पता चलता है? हमें हमारी टंग से. जैसे फर्स्टली आप देख रहे हो कि टंग से हमें टेस्ट का पता चलता है. बट टेस्ट कितने टाइप के होते हैं? फर्स्टली आप देख रहे हो स्वीट, मीन्स कोई भी हम मिठाई जब खाते हैं तो वो मीठा है, तो वो अपन को किससे पता चलेगा? अपनी टंग से. नेक्स्ट सॉल्टी, नमकीन. ये भी किससे पता चलता है अपन को? अपन कुछ नमकीन चीजें खाते हैं तो वो कौन बताती है कि ये चीज नमकीन है? हमें हमारी टंग से पता चलता है. एंड सॉर, मीन्स खट्टा मीठा स्वाद होता है ना किसी चीज का, तो वो भी अपन को किससे पता चलता है? हमें हमारी टंग से पता चलता है. एंड लास्ट इज बिटर, मीन्स कड़वा. अगर अपन कोई कड़वी चीज खाते हैं या फिर आप दवाई लेते हो तो वो कड़वी लगती है अपन को, तो बट वो स्वाद का पता किससे चलेगा? टंग से. तो
तो स्टूडेंट ये टंग से कुछ पॉइंट्स जो हमें पता चलते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट सेंस ऑर्गन्स क्या है? स्किन। तो स्टूडेंट स्किन से क्या पता चलता है? जैसे आप अपनी बॉडी को देखते हो तो अपनी बॉडी पूरी किससे कवर है? स्किन से कवर है। जैसे फर्स्टली आप देख रहे हो हॉट, कोई भी चीज गर्म होती है अपन टच करते हैं उसको तो अपन को पता चल जाएगी ना कि ये गर्म है। नेक्स्ट है कोल्ड, कोई भी चीज ठंडी होती है तो वो भी अपन को किससे पता चलती है? हमें हमारी स्किन से। एंड हार्ड एंड सॉफ्ट, जो भी कोई भी मुलायम चीज होती है या हार्ड होती है कठोर होती है तो वो किससे पता चलती है? हमें हमारी स्किन से पता चलती है। तो स्टूडेंट स्किन से क्या क्या पता चलता है? हॉट कोल्ड हार्ड सॉफ्ट, ये किससे पता चलता है? स्किन से। टंग से क्या पता चलता है? टेस्ट का। और टेस्ट क्या क्या होते हैं? स्वीट सॉल्टी सॉर एंड बीटर। एंड नॉज से क्या पता चलता है? स्मेल का। स्मेल कैसी होती है? गुड एंड बैड, दोनों तरफ की स्मेल होती है। एंड ऑल्सो ब्रीथ, एंड ब्रीथ का भी पता चलता है। एंड ईयर से अपन को क्या अपन सुनने में यूज में लेते हैं तो क्या पता चलता है? वॉइस सॉफ्ट भी होती है लाउड भी होती है और अपन म्यूजिक भी ईयर से सुनते हैं। एंड आईज से क्या पता चलता है? कलर शेप साइज नियर एंड फॉर। तो ये सब अपन को कुछ सेंस ऑर्गन्स जो मैम ने आपको बताए हैं, जो फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं और क्या ऐसे हेल्प करते हैं हमारी, वो भी हमने आज अच्छे से पढ़ा है। तो आपको इनको अच्छे से लर्न करना है और ये स्पेलिंग सारी आपको लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।